इस साल 2023 में हमारे पास टोटल 8100 कर्नाटक वो दुआ फरमाएंगे। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि अपनी कुर्सियों पर बैठे रहें। देखिए, मैं सबसे पहले आज जो हमारा 2023 का जो हज का फर्स्ट फ्लाइट का आज देर रात जाने वाली है तो उसका इनॉग्रेशन था। उस इनॉग्रेशन में हमारे कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी आए थे, उनके साथ साथ बैरेगौड़ा जी मंत्री है वो भी, हमारे रहीम खान साहब म्यूनसिपालिटी और हज के मंत्री, और बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हाउसिंग और हमारे वफ और माइनॉरिटी वेलफेयर के मंत्री, हमारे MP नासिर हुसैन साहब और उलमा इकराम, हमारे अजीम साहब रोशन बेग साहब, तमाम उलमा इकराम लीडर्स MLA MPs आज इस फंक्शन में मौजूद थे। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक आज का दिन हमारे हज कमेटी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि बारिश होने के बावजूद भी लोगों की संख्या हज़ारों में थी और काफ़ी लोग यहाँ इस हज कैंपस में रहे, और हम हज कैंपस के बाहर भी ग्राउंड्स में LED लगा करके टेंट का सिस्टम करके वाटरप्रूफ हमने अरेंजमेंट किया था। तो आज लाख हज़ारों की संख्या में इस प्रोग्राम में इनॉग्रेशन में लोग आए थे और बड़ा कामयाबी फंक्शन रहा, और सिद्धरामैया जी की बड़ी अच्छी स्पीच रही। ख़ासतौर पे हमारे हाजियों के लिए उन्होंने एक गुजारिश की है कि आप जा कर के अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआ कीजिए, उसके साथ साथ आप देश के लिए, कर्नाटक के लिए, आपके ज़िले के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि अमन और शांति रहे, डेवलपमेंट की तरह जाते रहे, डेवलपमेंट की तरह ही होते रहे। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया और मुसलमानों के बारे में कहा, आपका जो हक है वो मैं आपको हक देने की कोशिश करूँगा और आपके जितने भी जो भी मसले मसाइल है मैं पूरे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और जो भी आप ग्रांट हो, फंड्स हो, मैं तमाम मुसलमानों के हो, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ के हो, मैं पूरा आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ। तो ये बात उन्होंने कही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, और मैं भी उनको एक हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से एक मैंने भी उनके सामने प्रपोज़ल रखा है कि हमारे 4 हज हाउस का मामला है, जैसा कि आज हमारा जो हज भवन है 100 करोड़ के ऊपर का हज हाउस है, 100 कमरे है, बड़ा सा बिल्डिंग है, ये बहुत काम में आई बिल्डिंग। जैसा कि कोविड की महामारी में हम ये बिल्डिंग कोविड सेंटर के लिए देते, जैसा कि 1000 पेशेंट यहाँ कोविड सेंटर में थे और सब अच्छे तंदुरुस्त होकर के यहाँ से गए, तो वो भी मैंने सिद्धरामैया जी के सामने मिसाल दिया कि भाई इस हज भवन में जो हमारे 100 कमरे हैं वो कोविड सेंटर में काम में आए और लोग सेहतमंद होके गए। उसके बाद 2020 में हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को 15 दिन के लिए रखा था, और NGO के प्रोग्राम, उलमा इकराम के प्रोग्राम, गैदरिंग्स हो रहे। तो ये हज भवन एक हाजियों के लिए हज कैंप के साथ साथ, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ, दूसरे और प्रोग्रामों में भी ये हज भवन काम में आ रहा। इसी तरह हमारे 4 हज भवन का काम बाकी है, जैसा कि मंगलोर में हमारे पहले 10 करोड़ रुपए उन्होंने ग्रांट दिया था, वो 10 करोड़ वैसे ही है, जगह का वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमारे ही मेंबर BM फारूक साहब 2 एकड़ जगह जो है डोनेट दिए, तो वहाँ पर भी हज हाउस का फाउंडेशन डालना है। उसके साथ साथ गुलबर्गा में खबरुस्सलाम साहब जब मिनिस्टर थे वहाँ पे भी 4 एकड़ जगह लिए थे, उसको भी हमने हज भवन की तरफ से 1 करोड़ दिया था, वो भी कंपाउंड बना है, वहाँ पे भी रेडी है।
इसके साथ साथ हुबली वाले भी वहाँ के अंजुमन, वहाँ के लोग भी जगह देने की वादा किए और वो भी मैंने उनके साथ बताया। और बीदर का भी एक ख़ास तौर पे, बीदर के हम चेयरमैन हैं और वैसे रहीम खान साहब भी बीदर के ही है, तो हम दोनों बीदर के रहने की वजह से बीदर में भी हज हाउस का बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो बीदर के लिए हमने जगह देखे हैं ऑलरेडी 4 एकड़, वो भी हम डीसी को एसी को अप्लीकेशन दिए हैं, वो प्रोसेस में है। तो ये 4 भवन के हज हाउस के लिए आप ग्रांट दीजिए बोल के मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा हूँ और उन्होंने भी एक्सेप्ट किए हैं। इंशाल्लाह मैं ग्रांट दूंगा और आप जो भी हज कमेटी के लिए जो भी काम हो मैं काम करके दूंगा। और एक मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाल ही में 4 दिन पहले हमारे हज हाउस के मेंटेनेंस के लिए 5 करोड़ रुपये उन्होंने ग्रांट दिया है। तुरंत हमारे दोनों मिनिस्टर विजिट जमीर अहमद खान साहब और हमारे रहीम खान साहब जब प्रपोजल लेके गए हमारे को कुछ मेंटेनेंस के लिए ग्रांट दीजिए, तो CM साहब जो है 5 करोड़ तुरंत लेटर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख के दिए, वो भी 5 करोड़ कुछ दिन में आ जाएंगे हमारे मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि पिछले हमें ग्रांट नहीं मिला था कोविड की, जब से हमारे ग्रांट नहीं मिला था जो भी हमारा मेंटेनेंस इसी में हो रहा था। लेकिन हमारे हज कमेटी की बड़ी खुशकिस्मती है कि 5 करोड़ ग्रांट भी उन्होंने देने का वादा किया, मिलेगा और भी हम डेवलपमेंट्स करेंगे, हज उनकी अच्छे से अच्छे खिदमत करेंगे, और भी हमारे हज कैंपस में काम है इंशाल्लाह वो भी हम काम करेंगे। तो मैं और एक बार हमारे विजिट हमारे जनाब सिद्धरामैया साहब को, विजिट जमीर अहमद खान साहब को, हमारे मिनिस्टर रहीम खान साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का एक कामयाब हमारा हज कमेटी का फंक्शन रहा। अभी कुछ देर में हमारा पहला काफिला यहाँ से बीदर हमारे बेंगलुरु के हज हाउस से लब्बैक कहते हुए एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। 12 बजे निकलेगा उनका, 4 बजे फ्लाइट है, 3 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पे रहना पड़ता है, वहाँ पे भी उनकी दुआ कुछ उनका वहाँ पे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ से जब निकलेंगे लगभग 12 बजे हमारे उलमा इकराम दुआ करेंगे, उसके बाद लब्बैक कहते हुए पूरा काफिला बस के थ्रू हमारा हज हाउस के लिए जाएगा। उसके साथ साथ आज हमारे पेरेंट्स फ्लाइट है तो कल दोपहर तक ये फ़्लाइट चलते रहेंगी, फिर कल जो है हमारा जो 18 तारीख का जो रात है तो उस दिन हमारा 3-3 फ्लाइट है, तो लगभग 750 हमारे हज सऊदी अरब मदीने मुनव्वरा के लिए लोग जाएंगे। तो हमारी हज कमेटी, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मेंबर, हमारा स्टाफ, तमाम लोग उस खिदमत में उस काम में लगे हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी लगेज रेडी हो रहा है, लगेज एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। इंशाल्लाह अभी लोगों की हाजियों की तैयारी भी हो रही है, खाना वगैरह खा के उनको जो भी यहाँ के जाते वक्त के जो अरकान हैं, कैसे फ़्लाइट में बैठना है, कैसे आपको दुआ करना है, वो तो तमाम चीज़ें हम उनको प्रोसेस करके, क्योंकि हमारे उलमा इकराम हैं उनको ट्रेन करते हैं, वक्त के ऊपर उनको दुआ याद दिलाते हैं, जैसा कि जाते वक्त उन्होंने एयरपोर्ट को कौन सी दुआ करना है, फिर वहाँ पर रास्ते में कौन सी दुआ करना है, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको कितने नमाज़ें पढ़ना है, उसके बाद लब्बैक कहते हुए वो इस जहाज से मदीने मुनव्वरा के लिए जाएंगे। थैंक यू।